नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैं सीबीसी क्लास। तो आज वर्कशीट नंबर 36, कार्य पत्र नंबर 36। कार्य पत्र देख लो, मिक्स करके लिखते रहते हैं लेकिन हम पढ़ते पढ़ते समझदार हो चुके हैं। कितनी हम वर्कशीट धीरे धीरे 36 करते हुए आगे 1 2 3 4 36। देख रहे हो किस लोली सोली कहाँ गए हम। तिथि 25/9/2020, विषय हिंदी, कक्षा 9। तो इन शॉर्ट में जल्दी से बताऊं तो ये आपको अबकी बार निबंध लिखने के लिए, निबंध में प्रस्तुति भी पढ़ाऊंगा, लेकिन हम इस क्यों इम्पोर्टेंट है ये चीज एक बार हम अपने क्वेश्चन पेपर में देख लेते हैं। जब जब किसी भी बच्चे को अगर ये क्वेश्चन पेपर चाहिए, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है इसमें, ठीक है, ये मैंने अपने टेलीग्राम पर, माई सीबीसी क्लास के टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है और जो लिंक है वो ने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और ये मैंने एक महीने पहले ही अपलोड कर दिया, बहुत सारे बच्चों को मिल गया होगा। तो मुझे बस ये दिखाने का मतलब है, ये हिंदी का ही है, ठीक है। पिछले साल जो हुआ था आरिफ नाम के बच्चे का एसए 1 का 25/9/2020, आज तारीख कितनी है आपकी, व्हाट डेट, वो तेरी देखिए 25/9/2020, 25/9/2019। तो जिस दिन आप ये वर्कशीट सीख रहे हो ना, तो पिछले साल ये वर्कशीट समझ लो क्या हिंदी की वर्कशीट का पेपर था, एग्जाम था। तो चलो कोई बात नहीं, हम जल्दी से अगर पढ़ते हैं तो यहाँ पे बस आपको ये दिखाना चाहता हूं मैं, ये रहा, ठीक है, आपका खंड, सॉरी संड लिखा रखा, बाप रे खंड होना चाहिए यार ना। तो रचनात्मक लेखन, रचनात्मक लेखन ये देखिए, नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार पर किसी विषय पर 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखिए, 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखना है। कितने नंबर का आता है ये, आपका 10 नंबर का आता है। तो जो आप ये वर्कशीट सीखने जा रहे हैं तो ध्यान सीखिएगा। पिछली बार देखो कौन से टॉपिक पे आया था, जीवन में खेलों का महत्व, ठीक है, स्वच्छता अभियान, कुछ आपके हिंट भी दिए गए हैं इसका प्रयोग कर सकते हैं आप, स्वच्छता अभियान कुछ आपके हिंट दिए गए हैं इसका प्रयोग कर सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि एक समस्या, कुछ आपकी कुछ बिंदु दिए गए हैं इसका आप उपयोग करते हुए लिख सकते हैं, जैसे संकेत बिंदु, जनसंख्या से अभिप्राय क्या है, समस्या कारण और उपयोग। तो अब की बार हो सकता है आपका स्वास्थ्य के ऊपर आए, ठीक है, कोरोना वायरस के ऊपर कुछ करके आए, इस प्रकार का आ सकता है। लेकिन जो आपकी ये वर्कशीट है, इस जो वर्कशीट आपकी आई हमारे स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर आई है, तो जय हिंद जय भारत, हम अपने स्वतंत्रता सेनानी के बारे में पढ़ेंगे आज। लेकिन सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं क्या, लेखन, लेखन विधि निबंध में। तो पढ़ते हैं स्टार्ट से, निबंध गद्य लेखन की एक विधा है, इसका शाब्दिक अर्थ है लेख, एक व्याख्या। जैसे अगर आपको बताऊं तो इन शॉर्ट में, जैसे आप स्टोरी राइटिंग कर रहे थे ना, अगर इंग्लिश वाली वर्ड, देखो बच्चों मिक्स मत करना, देखो जैसे स्टोरी राइटिंग थी आपकी, देखो सेम चीज तो नहीं होगी, लेकिन जैसे भी आप स्टोरी राइटिंग, ये भी 10 नंबर में था ना आपका, सेटिंग कैरेक्टर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, वैसे इसी प्रकार को आपको बना के लिखना पड़ेगा, ठीक। व्याख्या, जिसमें अनेक मतों का संग्रह हो, जिसमें किसी विषय पर हम अपने विचारों को लिखित रूप में एक विशेष क्रम में अभिव्यक्त करते हैं। तो इंग्लिश वाले में भी अगर ध्यान से दिलाऊं तो कैसे कैसे था आपका, ठीक, सेटिंग था, कैरेक्टर था, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, बिल्कुल सही। इसमें देखो, इसमें कैसे करेंगे, हमारे विचार बिखरे हुए न होकर संतुलित होने चाहिए, निबंध स्पष्ट होना चाहिए, निबंध क्रमशः शीर्षक, प्रस्तावना, भूमि, विस्तार, उपसंहार, निष्कर्ष, ठीक है, इन चार अंगों के प्रमुख में लिखा जाता है। वो भी आपका चार पॉइंट्स में था, इंग्लिश वाले स्टोरी भी, ये भी आपके चार पॉइंट में है, ठीक है। देखो लिंक कराना ताकि आपको ये न लगे कुछ अलग अलग सा है ज्यादा। निबंध में प्रस्तुत कितना रट्टा फिक्शन करोगे बताओ, कुछ चीजें लिंक रहेगी ना, चार पॉइंट उसमें भी थे, चार पॉइंट इसमें भी थे, हिंदी इंग्लिश में तो दोनों एक से थे, वो भी 10 नंबर का, ये भी 10 नंबर का, तो आप लिंक करके याद कर सकते हो, रट्टा फिक्शन से कुछ नहीं हो पाएगा। निबंध में प्रस्तुत विचारों के संदर्भ में किसी कहानी के अंश, प्रचलित घटना, ठीक है, तथा अथवा किसी कविता की पंक्ति को भी उदाहरण के रूप में शामिल किया जा सकता है, ठीक है। अब आप नीचे दिए गए संकेतों के और के आधार पर इन निबंध का शीर्षक पहचान कर लिखिए और इन संकेतों का वाक्यों में प्रयोग कर ऊपर बताए गए क्रम को ध्यान में रखते हुए एक निबंध लिखिए। संकेत में कुछ चित्र दिए गए हैं, ये नहीं है आपके संकेत के तौर पर, कुछ चित्र दिए गए यहाँ पे देखिए, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, इनकी दो जगह फोटो है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी ने बहुत संघर्ष किया है। चलिए हम इसके बारे में कुछ जो हिंट दिए हैं ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या है कैसे नहीं है। स्वतंत्रता यानी आजाद भारत लगभग 200 वर्ष तक अधीन रहा देश, गुलामी की आजाद हुआ, बहादुर लोग देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, देश को स्वतंत्र बनाने के लिए अंतहीन बलिदान दिए, ठीक है, और देशभक्ति और देश प्रेम में इन्हें याद किया जाता है, इनके कारण स्वतंत्र एवं देश को अन्याय और शोषण से मुक्त कराने के लिए
लड़े, लोगों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहे, हर परिस्थिति से गुजरे, कई यातनाएं सही। कौन से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जन जन को प्रेरित किया, स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया, इनकी अंतहीन सूची है, जिसमें से कुछ प्रसिद्ध हैं जैसे रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, भगत सिंह, उधम सिंह। पता है नो जो उधम सिंह, ये इनके बारे में सुनते बहुत ही मुझे रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाते। इन्होंने वही जनरल डायल को ना, जिसने जलियांवाले बाग में अपनी हत्थों पर गोली चलाई थी, इन्होंने उसके देश में ही जाकर उसी को ही गोली मारी थी। हलकट यहाँ हमें अपनी आजादी का अकड़ दिखा रहे थे, तो इन्होंने हमारे उधम सिंह ने उनके ही देश में इंग्लैंड में जाकर उन्हें गोली मारी थी। किसको? उधम, उसको क्या कहते हैं, जनरल डायर को। राजगुरु सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर सुखदेव, सरोजनी नायडू, तो कुछ अज्ञात, कुछ ने शांति से तो कुछ ने उग्र रूप से अपनी भूमिका निभाई। और पता, बहुत लोगों को तो नाम भी नहीं है, ठीक है, इतने लोगों ने स्वतंत्रता में अपना भाग निभाया है भारत की स्वतंत्रता के लिए। चलिए, हमारा है आपको ये टीपना नहीं है इस वाले में, ठीक है, इसे कुछ हिंट ले सकते हैं, लेकिन आपको ये चित्र दिया गया है, इसके ऊपर, इसके बेस पे आपको इसमें स्टोरी भरनी है। तो चलो, स्टोरी लिखेंगे कैसे, तुम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने शीर्षक लिखा है इसका ऊपर। शीर्षक लिखना बहुत ही जरूरी होता है, जिससे आपको पता चलता है स्टोरी किस बारे में है, या जो आपने निबंध लिखा है ये किस बारे में है। भारत और भारत की आजादी, भारत और भारत की आजादी, ठीक है, इस बारे में पढ़ेंगे हम, भारत और भारत की आजादी। ब्रिटिश शासन से आजादी मिलने की वजह से भारत में 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। जो भारत की आजादी मनाई जाती है ना 15 अगस्त को, हलकटों की वजह से हम 200 साल तक गुलाम रहे। गांधी जी, भगत जी, तिलक जी जैसे अनेक देशभक्तों की कुर्बानी के कारण भारत को आजादी मिली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा देश भारत लगभग 200 वर्षों से अधिक दूसरे देशों के अधीन था। हम शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज आए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना। आगे बढ़ते टॉपिक पर आते हैं, वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद भारत देश आजाद हुआ। स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत सारे देशभक्तों ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, उन्होंने जन जन को प्रेरित किया, मतलब हर एक को प्रेरित किया, भारत के, भारत में रहते हैं, भारत के प्रति अपनी जागरूकता दिखाएं और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। आगे मैंने क्या लिखा, फिर अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करने के बाद हम अपने देश में गुलाम बन गए, उन्होंने हमारे ही देश में आकर हमारे ही ऊपर कब्जा किया और हम अपने ही देश में गुलाम हो गए। आप ये समझिए, इसका अंदाजा इस प्रकार से लगा सकते हैं उस स्थिति का, जिस मकान में आप रह रहे हैं उस मकान में कोई दूसरा व्यक्ति आकर जबरदस्ती रहने लग जाए, और दूसरी बात वो आपसे उस रूम का किराया भी लेने लग जाए, तो बताइए कैसा लगेगा आपको, ठीक है। तो वैसी स्थिति थी, अंग्रेज ने भारत पर कब्जा करने के बाद हम अपने देश में ही गुलाम बन गए, बहुत ही दर्दनीय स्थिति थी उस टाइम पे। अंग्रेज अब हम पर मनमाना लगान वसूलते, ठीक है, अब हमारे ही खेतों पर हमसे ही खेती करवा रहे हैं और अपने हिसाब से लगान ले रहे हैं, वही बात है अजीब सी, और अपने फायदे के लिए मनमानी फसलों जैसे नील की खेती करवाते थे। जैसे मैंने आपको पिछली वर्कशीट में भी बताया था, कैदी और कोकिला, ठीक है, तो मैंने उसमें भी बताया था कि काफी इन्होंने अपने मनमानी, क्योंकि उस टाइम पे नील की बहुत बड़ी डिमांड थी और नील की खेती हुआ करती थी। आपके 10th क्लास में इंडिगो नाम से एक चैप्टर भी है, उसमें आप पढ़ेंगे। तो चंपारण में गांधी जी गए थे और इस पे संघर्ष चला था नील की खेती को बंद कराने के लिए। तो और इससे क्या होता, नील खेती से फसलें तो उनकी नील खेती होती थी, लेकिन जो भूमि थी वो खराब हो जाती थी, लेकिन नहीं, इन्हें फायदे के लिए। आगे पढ़ते हैं, ये हो गया यहाँ तक, ठीक है, वीडियो को रोक के इसे उतार सकते हैं, लेकिन जो इसकी पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर देता हूँ, वहां से आप वीडियो को बिना रोक के भी लिख सकते हैं। तो इसका पहला ये पेज हो गया, ठीक है, इसको दूसरे पेज पे जा रहे हैं, दूसरा पेज यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, मिक्स मत होइएगा, कई बच्चे कहते हैं मिक्स हो गया, ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ हमारे स्वतंत्रता सेनानी जैसे गांधी जी, जिनका आजादी के लिए संघर्ष में अतुल्य योगदान रहा। अब देखो, कुछ हमारे ऐसे स्टूडेंट हो गए, कोई कहेंगे गांधी जी, अरे यार कौन गांधी जी ने, आप ये बताइए, कोई भी काम, ठीक है, सभी व्यक्ति कर सकते हैं, माना मैंने, लेकिन उस काम को स्टार्ट करने के लिए कौन खड़ा होता सबसे पहले, समझ में आई, बहुत ही कम लोग होते हैं। साथ देने के लिए बहुत लोग आ जाएंगे आपका बाद में, लेकिन शुरुआत जो कहते हैं ना, स्टार्टिंग ही सबसे बड़ी बात होती है। तो गांधी जी ने इन्होंने ये किया, वो देश के लिए बहुत कुछ भला भी किया, इसके बारे में हम क्यों नहीं पढ़ते,
ठीक है। तो गांधी जी ने, जिनका आजादी के लिए संघर्ष में अतुल योगदान रहा, उन्होंने सबको सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया था, जो सबसे बड़े हथियार के रूप में भी उभरा था। ठीक है, इन्होंने देखो अपने शांति से प्रदर्शन किया, अंग्रेजों से उसे दांतों चले चने भी दबवाए थे इन्होंने, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं अंग्रेज इनके और चीजों को नहीं मान रहे थे। ठीक है, वो शांति का मतलब उनको समझ में ही नहीं आ रहा था। तो कुछ हमारे वीर जवान भी थे जो हमारे, जिसे क्रांतिकारी कहते हैं, क्रांतिकारी समझ में आ रहा, देखो रोंगटे खड़े हो गए क्रांतिकारियों का नाम लेके, बहुत संघर्ष किया उन्होंने हमारे लिए और हम इस आजादी को। और वही दूसरी तरफ साइमन कमीशन के विरोध में जब शांति तरीके से विरोध कर रहे थे, जैसे हम गांधी के तरीके से कर रहे थे, देखो गलत नहीं है प्रिय, एक बार हमने प्यार समझाया ना, समझ जाइए नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन इसी बीच अंग्रेजों ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया, जिसमें लाला लाजपत राय शहीद हो गए। इन्होंने आहत होकर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सडर्स, इसी बंदे ने गोली चलवाई थी वहां पे, सडस की हत्या कर दी और बदले में इन्होंने फांसी की सजा हुई और वे हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। देख रहे हो, फिर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कोई व्यक्ति 22 साल का व्यक्ति अगर फांसी पे हंसते हंसते हुए जा रहा है, तो आप उस समय का दृश्य आप अपने मन में कल्पना कीजिए कैसी स्थिति होगी। सबको भगत सिंह चाहिए, एक पॉइंट मैं याद फिर दिलाना चाहता हूँ, मेरे मन में शुरू से रहा है, सबको देश के लिए भगत सिंह चाहिए, लेकिन वो उसके घर से नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर भगत सिंह बनना चाहता हूं तो, लेकिन मेरे घर वाले भगत सिंह नहीं बनने देंगे, लेकिन उनको चाहिए कि देश के लिए हो, लेकिन मैं नहीं हूं, तो बहुत बड़ी बात थी। इन्होंने घर का त्याग किया, देश के लिए अपनी आपको बलिदान कर दिया, वो भी हंसते हंसते। और हलकटों को देखो, अंग्रेजों को, इनको जो फांसी थी एक दिन पहले ही दे दी, इनको पता था जिस दिन फांसी होगी उस दिन बवाल होगा और इनको छुड़ा लिया जाएगा, लेकिन नहीं, इन्होंने एक दिन पहले ही फांसी दे दी उनकी। कोई बात नहीं, लेकिन आज हम आजाद हो चुके हैं, ठीक है, इसके बारे में हंसते हंसते फांसी दे दी। आजादी की लड़ाई में सैकड़ों ऐसे नाम हैं जैसे रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम। कौन कहता है मुस्लिम हमारे देश में आजादी में साथ नहीं दे रहा था? मौलाना अब्दुल कलाम, इन्होंने जब देश का बंटवारा, साइमन कमीशन जब आया, देश का बंटवारा जब हो रहा था ना दो हिस्सों में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, इन्होंने, ठीक है, इसकी वो आलोचना की थी, भारत एक है, एक ही रहने दो, कई धर्मों का इसे एकता का प्रतीक दिखाया जाता है। इन्होंने कड़ा विरोध किया था पाकिस्तान के उसका, पाकिस्तान के बनने के लिए, लेकिन कई मुस्लिम कम्युनिटी ने इनका विरोध कर दिया, तुम मुस्लिम हो ही नहीं, तुम मतलब धार्मिक तरीके से इनको आहत करने की कोशिश की, लेकिन नहीं, ये चाहते थे हम जिस देश में हैं, जिस मुल्क में हैं, हमारी जिम्मेदारी, हमारे धर्म का कर्तव्य बनता है हम उसी मुल्क की रक्षा करें, सुरक्षा करें, लेकिन नहीं, लेकिन कहने का मतलब इन्होंने बहुत काफी अच्छी जिम्मेदारी निभाई थी। बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम जानते भी हैं, ठीक है, ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स, ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे, ठीक है, कुछ आप अपने मन से बढ़ा के भी लिख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा छोटा लिखा है, देखिए अब 10 नंबर का है तो देखो 10 नंबर लाइक देखो लिखना पड़ेगा ना, इस बात को समझिएगा, ठीक है, 10 नंबर का तो 10 नंबर लाइक लिखना भी पड़ेगा, और भारत के बारे में लिखने के लिए पीछे हट रहे हैं, नहीं 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 नहीं, लिखिए लिखिए और लिखिए, लिखते जाइए पेज कम पड़ जाए, भले ही। अगला है देखो, दूसरा पेज था, देखो मिक्स नहीं हो, ये दूसरा पेज है और यहाँ पे मैं 3 पेज कर देता हूँ, ये तीसरा पेज है, ठीक है, मिक्स नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है, ये तीसरा पेज है, ठीक है। भले ही स्वतंत्रता सेनानी ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने के अलग अलग तरीके रहे हों, ठीक है, कुछ गर्म दल के थे, कुछ नरम दल के थे, कुछ शांति से, कुछ अशांति से अपना योगदान दे रहे थे, क्योंकि उनके हिसाब से वो सही लग रहा था और सही भी है, लेकिन उनका मकसद एक ही था, वो था भारत की आजादी, आजाद भारत, आजाद भारत, आजाद भारत, नथिंग एल्स। आगे, ठीक है, अब मैं यहाँ पे, आप क्या कर सकते हैं, आजाद भारत के समय आप थे ही नहीं, लेकिन आज तो है ना, देखो भले लॉ अच्छा से बना लेना, सब कहते हैं थोड़ी मात्रा में प्रॉब्लम हो जा रही है, मैं उसे कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम हो, ठीक है, भले भले है, भले मैं स्वतंत्रता के समय भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ नहीं था, ठीक है, 1947 से पहले या मतलब 94 मेरे डेट ऑफ बर्थ है, 94 तो, लेकिन पहले मैं उस टाइम पे नहीं था, लेकिन लेकिन आजाद भारत का एक जिम्मेदार नागरिक होने पर मुझे गर्व है कि मैं स्वतंत्र भारत में हूँ, बहुत बात, इस बात का बहुत ही गर्व है मुझे, और भारत देश में हूँ इसका तो और गर्व है मुझे। हम नागरिकों के भी कर्तव्य बनता है, हम नागरिकों के भी कर्तव्य बनता बनते हैं, ठीक है, नागरिकों के भी कर्तव्य बनते हैं कि हम इस आजाद भारत को विश्व गुरु व विश्व शक्ति के रूप में उभारने के लिए अपना पूर्ण योगदान दें। अब हमें
चलो ठीक है जितना उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी बनती है जिन हलकटों अंग्रेजों ने हमारे ऊपर गुलाम किया था, अब हमारी बारी है उनसे पावरफुल बन के दिखाए। आपको पता है कि हम पावरफुल और धीरे धीरे बन भी रहे हैं, जैसे कि अब देखिए जो हमारी इसरो है टॉप 5 में आती है, मजाक बात है, जो हमारी सेना है वर्ल्ड टॉप 3 में आती है, कम है ठीक है, और हमारे जो और भी जो साइंटिस्ट है विदेशों में काम कर रहे हैं, बात की बात है, लेकिन फिर भी कहीं ना भारत का नाम वहां पे भी हो रहा है। ठीक, आज देखिए चाइना, चाइना से हम सीधे भिड़ गए, समझ रहे हो, बॉर्डर पे, तो कहीं ना कहीं अब हमारा भी अब काम बनता है कि हम आजाद भारत के लिए अपनी इसके शक्ति प्रदर्शन, मतलब शक्ति प्रदर्शन नहीं, अब इसके सच में पूर्ण रूप से शक्ति रूप करें, इससे हमें, इसके लिए हमें अपना योगदान देना होगा, भ्रष्टाचार नहीं करना होगा ठीक है, और अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी, सरकारी सामान को नहीं तोड़ना चाहिए ठीक है, सरकार का विरोध कर सकते हैं लेकिन सरकारी सामान को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि वो कर हमारे टैक्स के पैसे से बनाई जाती है ठीक है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना चाहिए, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ तभी बोलना चाहिए जब आप भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हो ठीक है, आप भ्रष्टाचार भी कर रहे हो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हो तो ये गलत बात है ठीक है, तो कहने का मतलब है आप अपने तरफ से कम करिए। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक और चीज बताऊं मैं आपको, एक रफ में, रफ मिल जाए मेरे भाई ठीक है, जैसे 1000 व्यक्ति हैं ठीक है, 1000 के 1000 लोग भ्रष्ट हैं, लेकिन इसमें से एक व्यक्ति भ्रष्ट नहीं है, एक व्यक्ति भ्रष्ट नहीं है, तो अब 999 व्यक्ति भ्रष्ट हुए ना, एक कम हुआ कि नहीं हुआ, तो आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए ठीक है, एक कम हुआ कि नहीं, अब कई कहते हैं एक के कम होने से क्या होता है, लेकिन आप एक कम हो लेकिन आप आवाज उठाई कि नहीं उठाई, यही तो मैं सबसे बड़ी बात होती है स्टार्टिंग पॉइंट, आपने स्टार्ट तो किया ना, आप दूसरे को प्रेरित तो कर सकते हो ना, तो यही बात थी कुछ लास्ट में मेरे अपने ओपिनियन थे ठीक है, उम्मीद है आपको इस वर्कशीट को करते करते कुछ नई जानकारी मिली होगी, तो माय सीबीएसई क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। देखिए लास्ट में आपका जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।